अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अक्सर नूर और ये मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है, तो मैं अपना फ़र्स्ट व्लॉग स्टार्ट करती हूं। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं अपने घर से ही करूंगी, पर आज हमारा प्लान था कि हम एबटाबाद जाएंगे। वैसे तो इस्लामाबाद और एबटाबाद के दरमियान 2 घंटे का रास्ता है, पर तैयारी में बहुत लेट हो गया और हम 4 बजे के करीब निकले हैं, तो अभी हम बस रास्ते पर हैं, जा रहे हैं। मैं आपसे एबटाबाद के इंशाल्लाह सारे खाने, रास्ते, हर चीज़ शेयर करूंगी, और अभी भी मैं आपको दिखाती चलूँ। ये देख लें, अभी हम बस मोटरवे पे हैं, पहुँचने ही लगे हैं, और इंशाल्लाह मैं आपके साथ अपना सारा जर्नी शेयर करती हूँ। अच्छा जी, तो हम इस टाइम एबटाबाद के शहर में पहुँच चुके हैं खैरियत के साथ, और ये कुछ इसी तरह से है, और अभी हम जा रहे हैं मेस की तरफ। मेरा स्टे प्रेफर मेस में है, और वहाँ भी जाते हैं तो आपको मैं दिखाती हूँ। हम पहुँच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन के करीब ही, और हम जा रहे हैं डायरेक्टली पीएमए। मैं आपको पीएमए से आप सारी वीडियोस और चीज़ें वो भी दिखा देती हूँ, और अभी हम पीएमए जा रहे हैं। ये हम अभी पहुँच चुके हैं, और दिस इज़ द ड्रीम ऑफ मिलियन पीपल, ये वो जगह है और ये इसका गेट है। ये जी सारा पीएमए है, आप देखें ये ग्रीनरी और ये सब कुछ, ये सारा पीएमए है। हम आ चुके हैं, काफ़ी बड़ा है ये और बहुत खूबसूरत भी है माशाल्लाह। ये देखिए जी, वैसे मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा ग्रीन जगहें पसंद हैं, जहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा हो। मुझे जंगल स्पॉट्स और ये जगहें पसंद हैं, इसलिए मैं जिस भी ग्रीन जगह पर जाती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, मेरा मूड ठीक हो जाता है। यहाँ पे जी लाइव पिज़्ज़ा बन रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ लाइव पिज़्ज़ा। और ये देखें, ये भाई बना रहे हैं लाइव पिज़्ज़ा। ये सामने एक बेक हो रहा है ऑलरेडी, और ये हमारा ऑर्डर है, ठीक है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं प्रेफर मेस, ठीक है। हम प्रेफर मेस में हैं एबटाबाद में, तो अभी मैंने खाना शाना ऑर्डर कराया और हम आपको खाना दिखाते हैं। बस खाना शाना खा लें, फिर बाकी चीज़ें बाद में। ये देखिए, ये हमने खाना ऑर्डर करा लिया है क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी सुबह ब्रेकफास्ट के बाद, अभी तक हमने कुछ भी नहीं खाया, तो अभी हम खाना खा लें, तो बाकी मैं आपको फिर बाद में वीडियो चीज़ें साथ तक आती रहूँगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अभी हमारा एबटाबाद में डे 2 स्टार्ट हो गया है। हम सुबह को उठे हैं, नाश्ता तो नहीं किया, बस थोड़ा सा फ्रूट खाया है, और बस अभी हम फिर कपड़े वपड़े चेंज करके और कपड़े चेंज करके और उसके बाद जाएँगे। और ये देखें आप मेरे पीछे, ये सारा ये मेस है जहाँ पे हम रह रहे हैं, ठीक है। धूप बहुत ज़्यादा है इसलिए मुझे नज़र नहीं आ रहा कि आपको क्या दिख रहा होगा। अच्छा, धूप बहुत ज़्यादा है पर मौसम फिर भी बेहतर है, इतनी गर्मी नहीं है जिस तरह की गर्मी इस्लामाबाद में होती है या पिंडी में होती है कभी कभी। ये देखिए जी, ये सारा मेस है, और ये उनके लॉन्स हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ से हम एंट्री थी मेन जगह से, तो उसके बाद रूम्स हमारे इस साइड पर थे, बहुत ही खूबसूरत। कल का दिन काफ़ी यूज़फुल था, काफ़ी अच्छा लगा। मैं पहली बार एबटाबाद आई हूँ, मैं इससे पहले कभी एबटाबाद नहीं आई, पर अच्छा है, खूबसूरत भी है। आप अगर एबटाबाद में आना चाहें या यहाँ पर आप विज़िट करना चाहें वीकेंड्स पर स्पेशली, तो आपके पास बहुत सी अच्छी जगहें हैं। वैसे तो सारा एबटाबाद ही अच्छा है, पर जहाँ पे मैं रही हूँ, मतलब आप बलोच मेस में जाएं, आप वहाँ पे खाना खा सकते हैं, वो ऊपर है तो उसका व्यू अच्छा है। आप प्रेफर मेस में जाएं, प्रेफर मेस ज़्यादा बेहतर है, उसमें आपके पास गोल्फ क्लब भी है, वो भी आपके पास ऑप्शन है, पिक्चर्स भी वहाँ बहुत अच्छी आती हैं, लाइव बारबेक्यू भी होता है, और इसके अलावा बाकी तो बहुत सी जगहें हैं। नॉर्मल लोग जैसे कि अब हम सब नॉर्मल ही हैं, पर कुछ लोग हैं जो इन जगहों पर नहीं आ सकते किसी रीज़न की वजह से, तो उनके लिए भी मैक्सिमम जगह हैं बहुत खूबसूरत खूबसूरत। अच्छा, इसके साथ साथ एबटाबाद के साथ और एबटाबाद के साथ साथ जितने भी करीब करीब एरियाज़ हैं, जैसे कि हरिपुर है, खानपुर है, हवेलियाँ हैं, वो सभी अच्छे हैं, खूबसूरत हैं,
मरी भी इसके काफ़ी करीब है, नथिया गली 34 किलोमीटर्स है यहाँ से, तो एक घंटा लग जाता है। अगर कोई यहाँ पे आना चाहता है एक दिन यहाँ स्टे करे, उसके बाद नथिया गली भी जा सकता है, मरी भी जा सकता है। तो नथिया गली में भी काफ़ी अच्छी जगह हैं। इनफैक्ट आज तो मौसम सुबह बहुत अच्छा था, सुबह तो काफ़ी अच्छा मौसम था, तकरीबन 7-8 बजे के दरमियान, 11 बजे तक। अभी 12 बज रहे हैं तो धूप निकल चुकी है, पर इतनी गर्मी नहीं है जिस तरह की हब्स, जिस तरह की गर्मी इस मौसम में इस्लामाबाद, पिंडी, हमारे KPK में होती है कहीं कहीं। तो अभी यहाँ पे मौसम बेहतर है। इंशाल्लाह मैं आपको बाकी वीडियोस और बाकी सारी चीज़ें दिखाती रहूँगी और हम आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे मैं पहली बार आई हूँ, शायद मेरे देखने वालों में कोई और लोग हों जो पहली बार देख रहे हों एबटाबाद को। अच्छा जी, तो हाँ मैं आपको पिफर मेस का थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ। ये मेरे पीछे तो आप देख ही रहे हैं, ये सारा पिफर मेस है, बहुत खूबसूरत जगह है। और ये देखिए, ये सारा पिफर मेस है, मैं आपको इसका व्यू दिखाती हूँ। और ये इसका व्यू है, ये देखिए, ये सारा पिफर मेस है। यहाँ पे फैमिलीज आई हुई हैं क्योंकि वीकेंड भी है, ये देखें, क्योंकि वीकेंड भी है तो यहाँ पे लोग आए हुए हैं। और बस अपनी फैमिलीज़ को लेके आप भी आएँ, बहुत अच्छी जगह है और आप इन्जॉय करेंगे। ये देखें, ये बिल्कुल माउंटेन्स पहाड़ों के दरमियान ही है। धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही है पर बिल्कुल भी गर्मी इतनी खास महसूस नहीं हो रही। अगर इतनी धूप में हमारे एरिया में तो बहुत गर्मी होती है। ठीक है जी, हम कल रात वहाँ पे बैठ के, जब हम, मैं जहाँ जा रही हूँ ना, वहाँ पे कल रात हमने डिनर किया था, जिसकी वीडियो मुझे लेना भूल गई। वहाँ पे लाइव बारबेक्यू था, बहुत मज़े का था। और इनकी प्राइसेस काफ़ी रिजनेबल हैं, प्राइसेस बिल्कुल मज़ेदार हैं। ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा मेस है तो काफ़ी महंगा होगा। भाई साइड पे हो जाऊँ, रोड के दरमियान ही चल रही हूँ। ठीक है जी, तो ये देखें ज़रा, ये देखें, ये सारा मेस, ये इसका मेन जगह है जहाँ पे डाइन इन होता है। बाकी जितनी भी पिक्चर्स हैं मैंने अपने इंस्टाग्राम पे लगा रखी हैं ऑलरेडी, आप सिर्फ क्लाउड्स चेक करें, कितने खूबसूरत लग रहे हैं सामने क्लाउड्स, बहुत अच्छे लग रहे हैं। बस धूप से ना मुझे थोड़ी इरिटेशन होती है कि धूप मुझे अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मेरा ज़रा मूड ख़राब हो जाता है, बट इतनी बुरी धूप नहीं है। बस अभी हमारा लास्ट स्टॉप है, इसके बाद हम वापस जाएंगे इस्लामाबाद, तो मैं आपको फिर इस्लामाबाद से। अच्छा, ये कुछ, ये देख रहे हैं मेरे पीछे जो है, ये कोई फूल है, पता नहीं कटिंग है, कुछ लिखा हुआ है, कोई इतना ख़ास समझ नहीं आ रही हमें। ये देखें ना, बहुत खूबसूरत कटिंग है सारे फूलों की। अब ये नहीं पता कि ये क्या लिखा हुआ है, क्या बना हुआ है। ये जगह जो है इसे कहते हैं यादगार शोदा, ये जो चौक बनी हुई है कुछ, ठीक है। और ये बाकी सारा ग्राउंड है, ये सारा ग्राउंड, ये मेन मेस है, ये इसके वहाँ से एंट्री है। और ये देखिए, इसका मुझे कुछ ख़ास समझ नहीं आ रही कि ये क्या चीज़ है, पता नहीं कुछ होगा, अगर हमने कुछ बनाया है तो कुछ सोच के ही बनाया होगा, या तो ये ऊपर से कुछ अच्छा नज़र आता है या ऐवें कुछ फूल वूल बना रखे हैं, बट अच्छा है माशाल्लाह।